गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर 10 मेजरमेंट्स की आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो पेज नंबर 128 ओपन कर ले सभी बच्चे। चलिए क्या दिया है इसमें, टेक द ग्लास विथ मोर जूस। यहाँ पर आपको दो ग्लासेस दे रखे हैं, तो किस ग्लास में ज़्यादा जूस है, जिस ग्लास में ज़्यादा जूस है उस पर हमें टिक लगाना है। क्या लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए, इस ग्लास में इतना जूस है और दूसरे ग्लास में इतना जूस है, इसमें इतना सा और इसमें इतना है, किस में ज़्यादा जूस है, इस ग्लास में ज़्यादा है ना, तो इस पर टिक लगा दीजिए ऐसे करके। नेक्स्ट है, टिक द जग विथ लेस वाटर। यहाँ पर टू जग दिए हुए हैं, किस में कम पानी है, किस जग में कम पानी है, इसमें क्या इसमें, तो कम पानी तो इसमें है ना, ये इतना सा है और ये इतना है, तो लेस पूछा है ना, क्या पूछा है, लेस वाटर, कम पानी किस में, तो इस जग में, तो टिक लगा दीजिए। ओके बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है, राइट एम फॉर मोर, एम मोर के लिए लिखना है, एंड एल फॉर लेस, और एल लेस के लिए लिखना है, जिस चीज़ में क्वांटिटी ज़्यादा है, मोर है, उसके आगे एम लिखना है, जिस चीज़ में क्वांटिटी कम है तो उसके आगे एल लिखना है। समझ में आ गई एक्सरसाइज कैसे करनी है। चलिए, यहाँ पर दो इत्र की बोतल दी हैं, ये इत्र की बोतल बड़ी है और ये छोटी है, तो क्वांटिटी ज़्यादा किस में आएगी, इसमें आएगी ना, और ज़्यादा है भी इसमें इत्र, तो इसके आगे एम, ज़्यादा चीज़ है तो एम है, और ये छोटी बोतल है तो इसमें क्वांटिटी कम आएगी, तो इसमें क्वांटिटी कम है तो इसके आगे एल, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी है उसके आगे एम, इसमें कम क्वांटिटी है उसके आगे एल। नेक्स्ट है, टब एंड ग्लास, किस में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, टब में आएगी ना, हाँ वाटर इसमें ज़्यादा आएगा और ज़्यादा है भी, तो इसके आगे एम, और ग्लास में कम क्वांटिटी आएगी, कम वाटर है तो इसके आगे एल। ओके, नेक्स्ट है, जग एंड ग्लास, किस में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, जग में, जग बड़ा है इसलिए इसके आगे एम, और इसमें क्वांटिटी कम होगी ग्लास में, छोटा भी है तो इसके आगे एल, तो ये ऐसे करना था। ओके बच्चों, चलिए आगे क्या दिया है, टिक द वन दैट कैन होल्ड द मोस्ट। देखिए यहाँ पर तीन पिक्चर्स दे रखी हैं, वाटर कूलर, बॉटल और ये टंकी, वाटर कूलर, बॉटल और ये टंकी दिए, तो किस में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, मतलब किस में पानी ज़्यादा आएगा, वाटर कूलर में, बॉटल में या टंकी में, ऑब्वियसली बात है तो पानी सबसे ज़्यादा किस में आएगा, इसमें, टंकी में, किस में, टंकी में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, तो क्वांटिटी इसमें सबसे ज़्यादा आएगी, तो इस पर हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है, टिक लगाना है, तो लगा दिया हमने टिक। यही तो पूछा था इसमें कि सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे ज़्यादा पानी, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस में आएगी, किस में आएगी, टंकी में, तो इस पर हमने राइट का मतलब टिक लगा दिया। ओके, नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए, टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल। यहाँ पर पूछा है लॉन्गेस्ट पेंसिल, सबसे लंबी पेंसिल इसमें कौन सी है, ये वाली क्या, ये वाली क्या, ये वाली, देखिए ये इतनी है और ये इतनी बड़ी और ये इतनी सी रह गई, तो सबसे बड़ी सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है, ये वाली है ना इनमें से सबसे लंबी पेंसिल, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, ये टिक द बिगेस्ट एनिमल, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा एनिमल है, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, एलिफेंट, डायनासोर या रैट, तो रैट सबसे छोटा हो गया, एलिफेंट और डायनासोर में से बताइए कौन होगा सबसे बड़ा, ऑब्वियसली बात है डायनासोर होगा, तो डायनासोर पर टिक लगा दीजिए। ओके, आगे देखिए क्या दिया है, टिक हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी, तो इसमें से सबसे भारी चीज़ कौन सी हो गई, तो देखिए ये है बुक और ये है क्रियॉन्स और ये है इरेजर, तो सबसे भारी चीज़ क्या है, बुक ही तो है, ये सबसे बड़ी है और भारी भी होगी, तो इस पर हमें टिक लगाना है, तो सबसे भारी क्या है, सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक, तो सभी बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज किस में करनी है, बुक में करनी है, सभी बच्चे बुक में करिएगा सुंदर सुंदर। ओके, बाय बाय, टर्न कर लिया, देखिए क्या दिया है, टिक द
शॉर्टेस्ट रो, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा छोटी रस्सी कौन सी है, ये वाली क्या, ये वाली क्या, ये वाली, तो सबसे छोटी कौन सी है जल्दी बताइए, ये होगी ना सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, इतनी बड़ी हो गई, ये गोल गोल करके ऐसे दी हुई है, तो ये भी ज़्यादा बड़ी है मतलब सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली, तो इस पर हमें क्या लगाना है, टिक लगाना है। ओके बच्चों, तो ये सबसे छोटी है तो यही हमें पूछा था इसमें, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। ओके नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए।